निर्माणाधीन कार्य में धांधली होने की शिकायतें हुई हैं। गुजरात में सुरेंद्र नगर से पीपावाव के बीच डबल डेकर रेलवे के इलेक्ट्रिक वर्क में सूचित मानकों के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। भारतीय रेलवे के वेस्टर्न रेलवे विभाग द्वारा गुजरात में सुरेंद्रनगर से पीपावाव डबल डेकर ट्रैक में इलेक्ट्रिक लाइन का काम किया जा रहा है, जिसमें टेंडर की शर्तों का पालन नहीं हो रहा है। लाइनिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले खंभे अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, ब्रिज का स्ट्रक्चर भी मजबूत नहीं पाया गया है। इन खंभों को सिर्फ 2 या 3 फीट गड्ढा करके ही जमीन में गाड़ दिया जाता है और इस्तेमाल किए जाने वाले सीमेंट की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर इस भ्रष्टाचार से रेलकर्मियों तथा रेल यात्रियों की जान पर गंभीर खतरा हो सकता है। इसके चलते गंभीर अकस्मात होने की आशंका है। ZRUCC के सदस्य श्री उमेश मकवाना ने अपनी जांच में पाया कि यह पूरे कार्य में कई सारी गलतियां हैं, जिसे तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। जोरावर नगर, लिमड़ी, रायपुर, बोटाद, निगाला, केरिया, धोला, कालूभार जैसे स्थानों पर किए गए रियलिटी चेक में यह कोबांट का पर्दाफाश हुआ। जैसा कि आप इन दृश्यों में देख रहे हैं, यह जर्जर स्ट्रक्चर के कारण ब्रॉड गेज लाइन पर चलने वाली ट्रेनों के एक्सीडेंट होंगे, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? हालांकि इन विसंगतियों के विषय में वेस्टर्न रेलवे के आला अधिकारियों को एवं स्वयं रेल मंत्री को भी सूचित कर दिया गया था, फिर भी जहां तक जानकारी मिली है इस कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसी हालत में जब बारिश के दिनों में ट्रेन चलेगी तो क्या गंभीर स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 25,000 किलोवाट के पावर के वाहन के लिए यह जो करीब 60 फीट की ऊंचाई के पोल्स लगाए जा रहे हैं, वह सिर्फ 4 वोल्ट के सहारे टिके हुए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्याम सुंदर जी को इस विषय में पूरी जानकारी दिए जाने के बाद सीमेंट की कुछ लिपापोती जरूर हुई है, लेकिन हाई डेफिनेशन लाइन के वहन के हेतु लगाए जा रहे इन पोल्स की मजबूती के लिए ठोस कदम नहीं लिए गए। इस प्रोजेक्ट की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में CBI के द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अभी जो सुरेंद्रनगर से पीपावाव तक जो इलेक्ट्रिक लाइन का काम प्रोग्रेस में है, उसमें मैंने खुद विजिट किए है, तो उस विजिट में कुछ छोटी मोटी बहुत कमियां देखने को मिले, जैसे कि पोल जो है, इलेक्ट्रिक पोल डाले जा रहे, उसमें 2 ही 3 फुट का ही जमीन के अंदर डाल रहे, जैसे डालना चाहिए 4 से 5 फुट RCC स्ट्रक्चर के साथ। दूसरा, उसमें जो ब्रिज है छोटे मोटे, जैसे कि सुरेंद्रनगर का ब्रिज है, जोरावनगर, राणपुर, बोटाद, निंगाला, धोला, ये जो ब्रिज है, वो ब्रिज पे आप देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर अंग्रेजों के समय में जो बनाया था, जो रेलवे ने नॉन यूज स्ट्रक्चर जाहिर किया था, वही स्ट्रक्चर, नॉन यूज जर्जरी स्ट्रक्चर पे ये पोल खड़े किए गए, वो भी 1-2 बोल के सपोर्ट में, मतलब बिल्कुल सपोर्ट विहीन ये अभी पोल खड़े कर दिए। कुछ ब्रिज पे तो ऐसा है कि जो लोखंड का माचड़ा डाल के, जैसे कि बोटा, निंगाला वगैरह, लोखंड का माचड़ा के सपोर्ट के जो मुख्य स्ट्रक्चर है उसको ड्रिल करके उसको डाला जा रहा है। इतने मतलब के रेलवे द्वारा बहुत गंभीर प्रकार की भूल की जा रही है, तो उसका मैंने आगे रजूआत भी की है उच्च अधिकारियों को, मैंने मेल के द्वारा, पत्र व्यवहार के द्वारा और रूबरू भी ये रजूआत की है कि भाई तुरंत ये काम सुधारा जाए, वरना अगर ये जैसे ये लाइन है वो 25,000 किलो वोल्ट की लाइन है, अगर जो चलती ट्रेन पे अगर एक गिर जाती है तो एक एक ट्रेन में 1500-2000 पैसेंजर है, जो पैसेंजर पे अगर ये चालू ट्रेन पे 25,000 किलो वोल्ट का जो तार गिरेगा तो कोई बचने की संभावना नहीं, बहुत बड़ा अकस्मात भविष्य में न हो। तो इसी सिलसिले में मैंने आगे सब रेल मिनिस्टर को भी आगे पत्र व्यवहार के मेल के माध्यम से रजूआत की है।